Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों मैं तुम्हारे को सब कुछ करा चुका, अब एक बार वैसे तुम समझ चुके हो, बट फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए डिफरेंस भी करा दो इनका, कि डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल एंड अकाउंटिंग, और सॉरी एक डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। बेसिस दो अलग अलग बेसिस हैं, इसमें कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल ट्रीटमेंट, इसमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस सारे देखते हैं, लेकिन दीज आइटम्स आर नॉट एडजस्टेड। परफॉर्मेंस यानी कैसी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट और लॉस पोजीशन इज करेक्टली एसर्टेंड, लेकिन इसमें प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हो पाते। आप समझदार हैं, आधी तो ट्रांजेक्शन ही नहीं देखी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही नहीं देखी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं दिखाए, यानी कि एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड ही नहीं दिखाए। रिकग्निशन लॉ में किसको मानते हैं बच्चों, कंपनीज एक्ट तो एक्रूअल सिस्टम को मानता है और वो कैश बेसिस को नहीं मानता। इसके अलावा और भी अगर हम देखें, अकाउंटिंग जितनी भी है बेसिकली कोई एक्ट कैश बेसिस को एज सच रिकग्निशन नहीं देता। एक्सेप्टेबिलिटी भी इसलिए ज्यादा है, मोर एक्सेप्टेबल हमारा है एक्रूअल सिस्टम, लेकिन कैश बेसिस जो है वो इतना वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है। और सूटेबिलिटी या रेलिवेंस, ये ज्यादा सूटेबल है फॉर मोर बिजनेस एंड दिस इज सूटेबल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस कुछ इस तरह से होते हैं, या प्रोफेशनल्स या जिनकी ट्रांजेक्शंस बहुत कम हो। तो ये बेसिकली आपका इसका डिफरेंस। आप समझदार हैं, इसमें आपको काफी हद तक सारी बातें क्लियर होगी होंगी, अदरवाइज कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस अपने आप में ही क्लियर कट सकते हैं। ओके।